तो आज हम बात करेंगे शटर स्पीड, एपर्चर एंड आईएसओ। जो तीन चीजें आपको जाननी चाहिए, कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, बिना इसका सोचे। तो एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं सबकी फेवरेट कॉफी, शटर स्पीड, एपर्चर, और भी हम कुछ भूल रहे हैं, आईएसओ। जब ये तीन चीजें योग्य मात्रा में मिलाई जाएगी तभी इसका मजा आएगा। चलो तो हम पहला लेसन देखेंगे, कैमरा बेसिक्स। वो कॉफी का एग्जांपल जिन्हें पता नहीं था ये तीन चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। आप एक टाइम पे एक चीज नहीं यूज कर सकते, आपको तीनों चीजें एक साथ यूज करनी पड़ेगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आप कोई भी चीज की फोटोग्राफी ले लो, फूड, स्पोर्ट या फैशन, आपको ये तीन चीजें यूज करनी ही पड़ेगी इन डिफरेंट वेज। तो चलो बात करते हैं शटर स्पीड के बारे में। शटर स्पीड डिसाइड करता है फोटो की मोशन के बारे में, ये फ्रीज होनी चाहिए या मूवमेंट होना चाहिए। पर हर एक का अपना अपना फायदा है। तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एक बंदा भाग रहा है, तो अगर कम शटर स्पीड होगा तो आप देख सकते हैं इसके हाथ पैर सब उसका मूवमेंट दिख रहा है। पर अगर शटर स्पीड हाई होगा तो ये फ्रीज एक्शन में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं इधर सब कुछ फ्रीज है। शटर स्पीड मतलब कितने देर तक अपना कैमरा का शटर ओपन रहता है। चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटरफॉल का। तो पहले फोटो में आप देख सकते हैं कि उसका शटर स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए सब पानी फ्रीज हो गया है। पर हम अगर सेकंड फोटो में देखें तो उधर हम देख सकते हैं कि शटर स्पीड बहुत स्लो है, इसलिए वो मोमेंट कैप्चर हो रहा है और शटर ज्यादा देर तक ओपन रह रहा है। तो हम इससे देख सकते हैं कि अलग अलग शटर स्पीड का अपना अपना फायदा है। तो हम अब दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एपर्चर। एपर्चर मतलब कैमरा सेंसर कितना खुला रखने का। अगर ओपनिंग ज्यादा होगा तो एफ स्टॉप कम होगा, अगर ओपनिंग कम होगा तो एफ स्टॉप ज्यादा होगा। और एक मेन चीज, लाइट। लाइट में कैसा रहेगा, अगर एपर्चर ज्यादा ओपन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाएगा और एफ स्टॉप कम रहेगा। अगर एपर्चर कम नैरो रहेगा तो लाइट कम अंदर जाएगा और एफ स्टॉप ज्यादा रहेगा। तो अगर आपको फोटो लेना है ज्यादा एफ स्टॉप के साथ तो आपका शटर स्पीड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे लाइट इफेक्ट होगा, तो आपको वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। एपर्चर हर लेंस का अलग अलग रहता है, इसलिए हम बहुत लेंसेस यूज करते हैं। तो हर चीज के लिए अलग अलग लेंस रहता है, जैसे कि फैशन के लिए अलग रहता है, फूड के लिए अलग रहता है, स्पोर्ट के लिए अलग रहता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एक फूल, तो फूल पे फोकस करते हैं। और अगर हम इधर देखें तो अगर हमको सिर्फ फूल पे फोकस करना है तो पीछे का ब्लर कर देते हैं। तो अभी देख सकते हैं हम एफ स्टॉप कम कर दिया, जैसे कि ओपन कर दिया एपर्चर, और पीछे का पूरा ब्लर हो गया। तो हम ज्यादा से ज्यादा अभी फूल पे फोकस कर सकते हैं। यही एपर्चर का एडवांटेज है कि आप देख सकते हैं कि हम अब प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं और ये ज्यादा ग्लैमरस भी दिख सकता है। अब आप पूछेंगे नैरो एपर्चर मतलब ज्यादा एफ स्टॉप क्यों यूज किया जाता है। तो नैरो एपर्चर मोस्टली लैंडस्केप के लिए यूज किया जाता है, जिधर अपने को ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना रहता है। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में एक साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स के बारे में वीडियो बनाओ तो कमेंट कीजिए। तो ये फोटो है कम एफ स्टॉप के साथ और ये फोटो है ज्यादा एफ स्टॉप के साथ। तो उस टाइम क्या सेटिंग रहेगा जिधर नैरो एपर्चर रहेगा और हाई शटर स्पीड रहेगा, क्योंकि लाइट तो बहुत लो होगा। इसलिए थर्ड सेटिंग है आईएसओ, जो कि है सेंसिटिविटी ऑफ अ सेंसर, जिसे कि हम कह सकते हैं कि नकली लाइट ऐड कर दिया है फोटो में। जैसे जैसे आईएसओ बढ़ता जाता है वैसे वैसे नॉइज भी बढ़ता जाता है और वो फोटो को ज्यादा से ज्यादा खराब कर देता है। जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैमरा रहेगा वो ज्यादा आईएसओ पे उतना अच्छा आउटपुट देगा और कम नॉइज हो। तो कम लाइट में जितना ज्यादा अच्छा कैमरा रहेगा वो उतना अच्छा आउटपुट देगा। पर कैमरा के ऊपर उतना भी कुछ नहीं रहता है, आफ्टर ऑल फोटो तो आपको ही निकालना पड़ता है। तो आप जितना इन तीन चीजों की प्रैक्टिस करोगे उतना फोटोग्राफी में डेवलप होंगे और फोटो देख के बता सकेंगे कि ये तीन चीजें कितनी कितनी है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।